यो मैन बटलर ने जो बटर लगा के केकेआर की जो हालत बिगाड़ी है उस बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो लेजेंड शाहरुख खान हैं उनके क्या तासुरात थे उस मैच के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक और चीज भी सामने आई है कि मोहम्मद आमिर ने जो ग्रीन शर्ट्स पहनने के बाद एक आधा ट्वीट भी भेजा है, और पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का भी आज मैच है, प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड उसके बारे में भी बात करेंगे, और कल वाला जो मैच हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ओ भाई, ये आईपीएल के अंदर हो क्या रहा है? शुक्र है भाई, शुक्र है तुमने पिच के अंदर कोई रद्दो बदल किया है, जिसकी वजह से कल वाले मैच के अंदर जो है वो लोएस्ट आईपीएल का टारगेट भी कंसिडर हुआ है भाई, उससे पिछले मैच के अंदर हाईएस्ट आईपीएल का जो टारगेट है वो चेज हो गया। किसकी बदौलत? बटलर। यार बटलर तुम क्या हो, बटलर ने शाहरुख खान की उम्मीदों पर रंधा फेर दिया। रंधा भाई, ऐसा रंधा फेरा है कि शाहरुख खान के तासुरात ही बिगड़ गए थे। खैर, शुरू से बात कर लेते हैं कल से नहीं परसों वाले मैच के बारे में, जिसमें जनाब राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का मैच हुआ था शाहरुख खान की टीम का। तो भाई व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच भाई, जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। हाईएस्ट आईपीएल का जो टारगेट है वो चेज हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब केकेआर की बैटिंग की। तो भाई सुनील नारायण, भाई नारायण तुम तो भाई रिटायरमेंट का तुम्हारी एज आ गई थी, तुमने तो भाई बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तुम मैं तो कोई कंसीडर नहीं कर रहा था वेस्ट इंडीज टीम के अंदर, तुम तो रिटायर हो चुके थे वहां से, अब तुम आईपीएल आके भाई आईपीएल में तुमने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज टीम जो है ना भाई सर पकड़ के बैठ गई है कि हम इसको कहां ऐड करें भाई, ये तो फिर भाई ये मतलब यंगस्टर की तरह खेलना शुरू कर दिया। सेंचुरी मार के गया यार लौंडा भाई, ओपनर आके सेंचुरी मार के गया। इसी के साथ जनाब सुनील नारायण ने ट्वीट भी किया था कि मेरी जो है पीछे सपोर्ट है वो गंभीरू ने जनाब उसको सपोर्ट किया कि वो ओपन करे, क्योंकि गंभीर भी ओपन आता था। तुम्हें याद होगा कि भाई गंभीर भी ओपनिंग करता था सहवाग के साथ, उसने कहा कि मेरे को भी कोई लेफ्टी चाहिए सुनील नारायण जैसा, उसने भाई ओपनिंग की और भाई क्या सिंगल हैंडेडली स्कोर को वो 223 तक लेके गया है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या उसने छक्के पहले हैं भाई, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब एज अ बॉलर कंसिडर हुआ था वेस्ट इंडीज टीम के अंदर। 100 की इनिंग खेली है प्लस, और उसमें तकरीबन 55 के करीब बॉल्स खेली है, छक्कों से बातें कर रहा था लड़के और चुक रहा था भाई स्ट्रेट वाली बॉल्स को, और पक्की शॉटें खेल रहा था। व्हाट अ परफॉर्मेंस। उसके साथ भाई रघुवंशी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ मैं तुम्हें बात बताऊं, एक के ईयर जी जो है ईयर जो कैप्टन जो है वो 7 मैचेस के अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, क्योंकि भाई ये जो है आगे इंटरनेशनल टीम में भी शामिल होना है इन्होंने। ईयर जी मेरे ख्याल में स्क्वाड का हिस्सा है लेकिन इनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। बहरहाल भाई इन्होंने टारगेट जो है 223 मार लिया था रघुवंशी और जनाब नूरीन की वजह से, कि इन्होंने भाई अच्छा स्कोर किया था और 223 रन का टारगेट दिया। अनएक्सपेक्टेड था भाई, केकेआर का जो ऑनर है शाहरुख खान साहब, उन्होंने तो भाई फैसला कर लिया था, हाथ बांध लिए थे कि भाई तुम लोग जो मर्जी पट लो, राजस्थान रॉयल्स वाले तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भाई राजस्थान रॉयल्स का क्या पता था कि समसुन की टीम जो है वो मैच को बटलर की वजह से पार लगा देगी। स्टार्ट लिया भाई जायसवाल और बटलर ने। मैं किस जोड़ी की ओपनिंग की बात करूं भाई, फिल सॉल्ट बेहतर है या नोरेन या उसके साथ आने वाले जेसवेल और क्या कहते हैं बुटलर, कौन सी जोड़ी तुम लोगों की नजर में बेहतर है मुझे कमेंट्स में बताओ। खैर हम बात करते हैं जायसवाल और बटलर की। जायसवाल आया है, जायसवाल की भी परफॉर्मेंस इस मैच में बल्कि सारे 7 मैचेस के अंदर कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि भाई ये भी स्क्वाड का हिस्सा है इंटरनेशनल टीम के अंदर, तो पता नहीं क्या करते हैं। 7 मैचेस के अंदर इसने कोई 50 नहीं मारी। खैर बटलर जो है वो इस पूरे मैच के अंदर हाइलाइट्स नजर आया है और हाइलाइट्स उसने बनाई है भाई, क्या खूबसूरत खेला, सेंचुरी मारी है, सिंगल हैंडेडली खेला, उसके साथ जो है थोड़ी बहुत हेल्प किया रियान पारक जी भी अच्छी खेल रहे थे शॉट्स भाई, मतलब ये भी कोई आने वाले दौर के अंदर यंगस्टर्स में शामिल हो जाएगा भाई। मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि दुबे जी, अभिषेक और ये रघुवंशी और ये पराग वगैरह ये न्यू जनरेशन के अंदर भाई यही लोग आ रहे हैं, कोहली चला जाएगा, शर्मा चला जाएगा, पांडू भी होगा क्योंकि पांडू भी न्यू जनरेशन का हमारा जो है वो एक प्लेयर मौजूद है। यकीन ही नहीं आ रहा था 150 में कोई 5-6 विकेट गिर गई थी, उसके बाद कोई मैच हाथ में इनके था ही नहीं, 100 के करीब भी 2-3 विकेट निकल गई थी इन लोगों की, सुनसुन भी थोड़ी बहुत स्कोर करके निकल गया था। किसने सोचा था कि भाई बटलर जो है वो बटर लगा के इनको रंधा फेर देगा भाई, क्या बात है, सिंगल हैंडेडली भाई वो मैच लेके गया है। 9 बॉलों पे तकरीबन 14-15 स्कोर चाहिए था, उसने छक्का मारा है, फिर चौका, फिर छक्का मार के 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे, 1-2 सिंगल लिया है, आखिरी बॉल पे रन बना के वो जा रहा है पार भाई, सबकी शाबाशी ले रहा है। इसी के साथ भाई आईपीएल की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे नंबर पे आ चुका है विराट कोहली है, उसके बाद 7 सेंचुरी जो है वो इसने कर ली है। इसी के साथ भाई बहुत ज्यादा ट्वीट्स भी किए हैं लोगों ने और इसको सराहा है कि भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही थी जैसे भाई कोहली परफॉर्मेंस देता है या फिर जनाब
धोनी परफॉर्मेंस देता है, सिंगल हैंडेडली भाई वो मैच को लेके गया है और प्रेशर को उसने अब्सॉर्ब किया है, विकेट्स एक एंड से जा रही हैं लेकिन खुद ही वो कामली खेलता गया और मैच को उसने पार लगाया भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बिल्कुल वैसे वर्ल्ड कप के मैच की तरह जिसमें जनाब मैक्सवेल ने 200 रन मार दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो तो भाई वेरी ही अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। राजस्थान रॉयल्स फिर से टॉप ऑफ द टेबल पे आ चुका है तो बटलर को शॉर्ट आउट मिलेगा, बटलर यू डिड अ वेरी गुड जॉब। खैर कल वाले मैच की बात करेंगे जिसमें जनाब दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मैच था, पंट और गिल्ली जी का, तो भाई पंट ने जो है वो गिल्ली को पार लगा दिया है भाई, शुक्र है भाई तुम लोगों को, थोड़ी अक्कल आई है मैनेजमेंट वालों को, थोड़ी सी ऐसी उन्होंने पिच बनाई है, गड़बड़ हुई है भाई, लोवेस्ट आईपीएल का टारगेट कंसीडर हुआ है गुजरात टाइटंस की तरफ से, 89 मारे हैं भाई, पता ही नहीं चल रहा था कौन जो है वो 10-15 मार रहा है, 10-15 रन करते करते जनाब प्लेयर जो है वो मैच को विन कर गए, मुझे तो बाद में समझ आई है कि ये मैच जो है वो खत्म हो गया, ऐसा मैच होना चाहिए भाई, या तो तुम ज्यादा टारगेट मारो या तो तुम भाई लोएस्ट टारगेट मारो ताकि मैच जो है वो 1.5 या 2-3 घंटे के अंदर पार हो, सुकून है भाई, चिल माहौल है भाई। कैपिटल की तरफ से जनाब मुकेश कुमार ने 3 विकेट्स लिए हैं, ईशांत शर्मा और स्टब्स ने 2 विकेट्स लिए हैं भाई, शुक्र है कि पूरे आईपीएल के अंदर पहला मैच ऐसा है जिसमें जनाब बॉलर्स ने भी कोई विकेट्स खुल के लिए हैं, वरना तो भूमि सिर्फ होता है भाई मैच के अंदर मुंबई इंडियंस का, जिसने ना कुट खानी है ना स्कोर उसको पड़ता है जनाब, और विकेट्स भी उसने लेनी होती है, पूरी टीम जो है वो कुट खा रही होती है बैट्समैन से, लेकिन भूमि होता है जिसने जनाब लेंथ और लाइन को परफेक्ट रखा होता है और विकेट्स भी ले रहा होता है पूरे आईपीएल में, शुक्र है भाई तुम लोगों ने गैरत खाई है और विकेट्स के अंदर कोई तब्दीली की है जिसकी वजह से जो टारगेट है वो थोड़ा लोएस्ट चला गया है। अब हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद आमिर के ट्वीट्स के बारे में, जब उसने ग्रीन शर्ट्स पहनी तो उसने भाई शुक्र किया है कि मैंने 4 साल बाद ग्रीन शर्ट्स पहनी, तो भाई वेरी गुड, उम्मीद है कि भाई आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, पेस अटैक पाकिस्तान का इस टाइम बेहतरीन बना हुआ है और अभी न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है इसमें मेरे ख्याल में जनाब हारिस रूफ को शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए, जो नसीम शाह मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को आजमाओ, आज जो है वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो भाई मैं तुम्हें मैंने सुबह सुबह स्क्वाड देखा है न्यूजीलैंड का, तो भाई व्हाट अ स्क्वाड यार, मैं तो समझ गया तो जिमी नेशन वगैरह भी थर्ड कैटेगरी में आके शामिल हो जाएगा, वो ए क्लास टीम का कोई थर्ड क्लास प्लेयर है वो जनाब यहाँ पे एज अ कैप्टन के तौर पर सामने आएगा, लेकिन भाई टीम साइफर्ट और एक और प्लेयर है चैपमैन, इन दो प्लेयर्स के अलावा तो मुझे पूरी टीम की समझ नहीं आई, मुझे तो लफ्ज नहीं प्रोनाउंस करने आ रहे थे कि भाई ये केडी टीम है, वो तुम्हें याद होगा ना फुटबॉल की जो टीम होती है बिल्कुल ऐसी होती है, क्रोएशिया की टीम को देखो मॉड्रिच रैकेटिच पिचिविच मिचुकी चुकुचुक इस तरह के नाम होते हैं, इसी तरह भाई न्यूजीलैंड के नाम है, मैं तो देख के हैरान, ये कौन सी टीम भेज दी है, काउंटी की थर्ड क्लास कोई टीम भेज दी और हमारे यहाँ पे सुपरस्टार खेलने जा रहे हैं, बड़े तेज है यार ये गोरे, बड़े हरामी है, यकीन करो इन लोगों को ना भाई पता है कि हम लोग अगर अपनी अच्छी टीम भेजेंगे तो उन लोगों के हाथों जाया हो जाएंगे, उन लोगों को जनाब हमारी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, हम लोग जो है वो फुल अपनी ए क्लास टीम के साथ खेलेंगे और अगर इन बच्चों के साथ अगर हम हार गए तो भाई हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। खैर हमारी जो स्क्वाड है हमें भी उम्मीद है कि आज हमारे जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर सिर्फ बाबर एज अ कैप्टन और बाकी जो है वो यंगस्टर्स खेलेंगे, लाइक हारिस हो गया, साहबजादा फरहान हो गया, उस्मान खान हो गया, एक दो और भी हैं जनाब इन्होंने ऐड किए हुए, वसीम जूनियर्स को भी आजमा सकते हैं, इस तरह के कोई जमान खान को भी आजमा लो भाई, इस तरह के प्लेयर्स ऐड करके तुम लोग भी ऐसी कोई थर्ड क्लास टीम खिलाओ, मतलब थर्ड क्लास कंसीडर मेरा कहने का मकसद ये है कि थर्ड क्लास ऐसे कि उन लोगों को लगे कि भाई हमारी थर्ड क्लास है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। खैर देखेंगे ये तो मैच अब जब आएगा तभी समझ आएगी क्या चल रहा है क्या नहीं, उम्मीद तो है कि पाकिस्तान का इस मरतबा पेस अटैक बेहतरीन है और अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस तो देंगे, लेकिन भाई कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मोहम्मद आमिर का जो 2009 वाला इरा था ना भाई वो अब नहीं आ सकता, तुम लोग मानो ना मानो, एक जब पेसर के अंदर जो वो यंगस्टर वाली फीलिंग होती है ना भाई, जब उसका प्राइम फॉर्म होती है तो वो उस फॉर्म का आना दोबारा बहुत मुश्किल होता है, उम्मीद है कि भाई मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पीएसएल के अंदर भी इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शाम को जो मैच होगा आईपीएल का भी और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का भी उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करेगा, चैनल पर नहीं आ रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना, मैं मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Ma di più muovo da stessa, un, due, tre, se chi disgrazia.